नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ फिर बहुत एक अच्छा सा वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें हमें खाद देनी चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने है मींगणी की खाद। दोस्तों, ये मींगणी की जो खाद होती है ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, गोबर की खाद से बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद से फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दीमक लगने की संभावना हो ही जाती है, लेकिन इसमें दीमक लगने की संभावना न के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसकी खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले इसे बारीक पीस कर और इसमें थोड़ी मात्रा में ये जो नैनो जिम एक्सट्रूड है मेरे पास है, इस तरह की कई चीज़ें बाजार में मिलती है, ले आनी चाहिए। जैसे ये क्या होता है, मेराइन के साइड में जो पौधे लगे हुए होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई खाद होती है, समुद्र के किनारे पौधे लगते हैं, तो इसकी कुछ मात्रा मैंने इसमें मिला दी है। और फिर इसको बारीक कूट लेते हैं, क्योंकि जितना हमें हम इसको बारीक करेंगे उतना ही अच्छा ये पौधों के लिए अच्छा होता है और ये जड़ों तक चला जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए बारीक पीस लेते हैं और देखिए अभी ये कितनी बारीक हो चुकी है। और बारीक पीसने के बाद जो पौधे हैं उन पौधों की मिट्टी पर काट लगाकर करने की सहायता से, या आपके पास कोई भी सिस्टम है उसके सहारे फिर इसके अंदर आपको खाद मिला देनी है, जैसे कि अभी मैं मिला रहा हूँ उस प्रकार से आपको यह खाद मिला देनी है। ध्यान रहे कि हार्ड जो मिट्टी है उस पर खाद नहीं डालनी है, पहले मिट्टी के अंदर किसी चीज़ से काट लगा देंगे, जैसे करने की सहायता से जैसे मैंने लगा रखी है आप देख रहे होंगे, फिर ही खाद देनी है ताकि पानी डालने पर ही आराम से जड़ों तक पहुँच जाए। तो इस प्रकार से आप इसमें खाद डाल सकते हैं और फिर इसे चारों तरफ से घुमा दीजिए ताकि ये सारी मिट्टी में मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ी सी दोस्तों केयर तो करनी पड़ती है, नहीं तो फिर ये खाद अच्छे से नहीं लगेगी। और ये भी ध्यान रहे कि ये खाद जो है वो मींगनी वाली जो खाद है वो कम से कम भी 20-25 दिन में हमें दे देनी चाहिए। फिर दोस्तों, बारी आती है वाटरिंग की। तो देखिए मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, सेंसिल का डब्बा जो ख़त्म हो जाता है शैम्पू वाला, तो उसमें देखिए मैंने आगे छेद कर रखे हैं और पीछे की साइड में देखिए मैंने एक पाइप सिस्टम लगा के इस प्रकार से और ये तैयार कर रखी है। तो वाटरिंग के लिए आप भी ऐसा कोई जुगाड़ तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने जो इसमें से वाल चालू किया है, वाटर आना शुरू हो गया है यहाँ से, और देखिए जैसे कोई फुहारा चलता हो उस प्रकार से इसमें पानी आता है बहुत अच्छे से। आप भी बना सकते हैं दोस्तों ऐसे जुगाड़, जब भी ऐसे डब्बे खाली हो जाएं तो फेंको मत, ऐसे जुगाड़ बना लीजिए अच्छे होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें वाटरिंग हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही सभी पौधों में धीरे धीरे अच्छे से वाटरिंग करनी है, फास्ट स्पीड से वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट करेंगे तो अपने को लगेगा कि पौधा जो है उसके पास पानी पहुंच गया है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। अपन जो ही पानी डाल के हटते हैं तो वो सोख लेता है, वो थोड़ा ही पानी उसमें जा पाता है, लेकिन हम धीरे धीरे वाटरिंग करेंगे तो जड़ों तक पानी जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे जुगाड़ बनाकर आप भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें जो ही आप वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग करने के साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में जैसे इमीडा भी डाल देनी चाहिए। इमीडा जो है वो महीने में 2 बार यूज़ में लेनी चाहिए, यानी हर 15 दिन में एक बार, और हर पौधे में 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। तो इमीडा जो होती है वो दीमक को नहीं लगने देगी, यदि छोटा मोटा कोई भी कीट या कोई दीमक वगैरह कुछ लगा हुआ है पौधे में तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। तो हर पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इमीडा भी डालते रहिए। इमीडा डालने से क्या होता है, जो भी दीमक है वो ख़त्म हो जाएगी और पौधा जो अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा इमीडा नहीं डालें उसके, उतना महीने में 2 बार, यदि आपके यहाँ दीमक कम है तो महीने में 1 बार भी उसमें ले सकते हैं। जैसे मैं देखो अभी इसमें इमिडा डाल रहा हूँ, एक दो बूंद इस प्रकार से। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती दोस्तों, ये इमिडा लगभग 100 रुपये के समथिंग आती है, छोटा ये आप तो छोटी सी अभी डिब्बी देख रहे थे, ये ऐसी डिब्बी ले आइए, फिर ये ख़त्म हो जाए तो फिर और लिए, बार बार लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ी मत लेके आइए चाहे।
तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी पौधों में पानी डाल दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने अभी वाटरिंग करी है, तो अब मैं वाटरिंग लगभग 10 दिन के बाद में करूँगा। वाटरिंग से आप देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर की सतह थोड़ी सूखने लग जाए, तब आप देख सकते हैं वाटरिंग। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो आपको क्या करना है पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए हुए नए अपडेट्स प्राप्त होते रहें। मैं आपके लिए लेके आता हूँ बिल्कुल नए नए वीडियोज़, नए नई ट्रिक्स और नए नए जो तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम तरह तरह के काम अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे इसी चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम है नवीन सोनी सर। धन्यवाद।